गाइस फिर से स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो में। गाइस अपन निकले हैं तुलार गुफा के लिए महादेव जी का दर्शन करने। पिछले वीडियो में आपको दिखाए थे चार नदियां पार किए थे गाइस, अभी अपन चौथा नदी पार करने के बाद आगे जंगल की ओर निकल पड़े हैं। ये आप देख सकते हो काफ़ी घना जंगल है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है गाइस। ये आप देख सकते हो काफ़ी लोग आते हुए भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने। आप देख सकते हो एक के बाद एक बाइक आगे की ओर बढ़ता हुआ, अभी तो मंजिल बहुत दूर है, हमें आगे की ओर जाना है। तो आप देख सकते हो गाइस आप वीडियो में बने रहें, इसी प्रकार से आपको महादेव जी का तुलार गुफा दिखाएंगे गाइस। आप देख सकते हो घना कितना जंगल है और आगे से भी लोग आते हुए, यहाँ पर एक मैदानी सा हिस्सा देखा और यहाँ पर देख रहे हो वाइट वाइट कलर का ही स्कूल भवन प्रतीत होता है गाइस। यहाँ पर पहले स्कूल हुआ करता था शायद, अभी यहाँ पर गांव का नामो निशान नहीं है। ये देख सकते हो ये स्कूल ही है जो पहले बना हुआ था, जो आज के डेट में नहीं है गाइस। इससे आगे जाने के बाद भी और घना जंगल है और यहाँ घर का ही पता नहीं गाइस। ये आप देख सकते हैं यहाँ फिर और छोटी सी नदी पांचवी नदी यहाँ मिलती हुई गाइस। ये आप देख सकते हो यहाँ पर लोग फंसे हुए, यानी कि बाइक थोड़ा जा नहीं पा रहा होगा इस वजह से यहाँ पर रुके हुए हैं। देख सकते हो यहाँ पर छोटी सी पांचवी नदी गाइस, देखिए बहुत ही एडवेंचर जगह है और बहुत ही मुश्किल कठिन परिस्थितियों का सामना करके अपन को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए गाइस। देख सकते हो भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए, देखिए गाइस यहाँ पर थोड़ा सा बाइक को निकालने में परेशानी हो रही है। देख सकते हो गाइस आप वीडियो में बने रहें और इस बाइक ड्राइव का मज़ा लीजिए, हमें आगे की ओर जाना है। तो आप देख सकते हो
गाइस ये आप देख सकते हो अभी पहाड़ी नीचे की ओर उतर रहे हैं अपन लोग। ये आप देख सकते हो बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं गाइस। अगर कहीं बस्तर में एडवेंचर जगह है वो है तुलार गुफा के लिए जाने का रास्ता। बहुत ही खतरनाक और डेंजरस रास्ता है गाइस। ये आप देख सकते हो यहाँ से कुछ ही दूरी पर आगे जाने से हर भी खतरनाक हो गया है जाने के लिए। ऐसा लग रहा है हम कहीं खो गए हैं जंगल में और जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देख सकते हो गाइस यहाँ पर एक और बड़ा नदी ये छठवीं नदी पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर बाइक को धकेला जा रहा है गाइस। नीचे में बड़ा बड़ा पत्थर है देख सकते हो। ये लद्दाख से भी खतरनाक एडवेंचर जगह है तुलार गुफा जाने का रास्ता गाइस। ये देखिए कितना डेंजर जगह है। यहाँ पर दो दो जन एक बाइक को धक्का मार के निकाल रहे हैं गाइस। देख सकते हो यहाँ पर भी पानी थोड़ा ज़्यादा है और ये छठवीं नदी है। आगे और कितनी नदी और नाले मिलेंगे ये तो नहीं पता गाइस। आज अपन पहली बार जा रहे हैं महाकाल का दर्शन करने। ये आप देख सकते हो गाइस बहुत ही खतरनाक जगह है और ये पूरा हबूजमाड़ का इलाका है गाइस। ये तोड़वा ग्राम बीजापुर जिला के अंतर्गत आता है तुलार गुफा गाइस। ये आप देख सकते हो बाइक में कितना पानी है और गाड़ी ले जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि नीचे में बड़ा बड़ा बोल्डर पत्थर है गाइस। ये तब देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पर धीरे धीरे गाड़ी को आगे की ओर ले जाया जा रहा है और रास्ता सिर्फ सिंगल ही है और पगडंडी रास्ता है गाइस। ये आप देख सकते हो फिर यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ाना है बाइक को वो भी सिंगल रास्ते से। बहुत ही खतरनाक जगह है गाइस। ये आप देख सकते हो धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते हुए सभी लोग महाकाल का दर्शन करने। तो आप वीडियो में बने रहिए इसी प्रकार से आपको एडवेंचर से भरपूर वीडियो देखने को मिलेगा गाइस। कहीं पहाड़ी है तो कहीं नाला कहीं मैदानी इस प्रकार से सचेत रहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहाड़ी और नदी इलाका पड़ता है। देख सकते हो गाइस आगे में जनता ना सरकार का एक यहाँ पर शहीद स्मारक बना हुआ है गाइस। आगे देख सकते हो अभी आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे गाइस। ये देखिए ये शहीद स्मारक है जनता ना सरकार का गाइस। यहाँ पर उन्हीं का हुकूमत चलता है इस एरिए में जनता ना सरकार का। और यहाँ पर आने जाने वालों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर आके आप बेझिझक घूम के जा सकते हैं। अगर आप कहीं से भी हो आप यहाँ पर आके घूम सकते हैं गाइस। ये देख सकते हो ये ग्रामीण लोग हैं विश्राम करते हुए पेड़ के छाँव में। देखिए यहाँ से आगे की ओर जाएंगे गाइस। आप वीडियो में बने रहे। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो साइकिल में भी लोग आए हुए हैं। बाइक वाले से कुछ बातचीत होता हुआ कि अभी और कितना दूर जाना है गाइस। ये आप देख सकते हो इन लोग दर्शन करके आ रहे हैं भोलेनाथ जी का। अभी फिर एक और पहाड़ी है ये आप देख सकते हो इसी के ऊपर अभी अपन चढ़ाई कर रहे हैं गाइस। ये देख सकते हो बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर और धूप चढ़ता ही जा रहा है और धीरे धीरे गर्मी भी पड़ती जा रही है। देख सकते हो बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर मौजूद और
लोगों का उत्साह कमी नहीं हो रहा है, भोलेनाथ जी का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते हुए देख सकते हो। काफ़ी उत्साह और जोश के साथ आगे बढ़ते हुए सभी लोग। गाइस आप वीडियो में बने रहें और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ और आप सभी को भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहे। गाइस ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बाइक चढ़ाने में मुश्किल हो रही है क्योंकि गाड़ी आगे जाने से नहीं चढ़ पा रहा है, पत्थर की वजह से पीछे की ओर धकेलता है। गाइस ये देखिए आगे पीछे काफ़ी जन यहाँ पर मौजूद हैं। गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ पर रोड थोड़ा सा ठीक है। अभी अपन पहाड़ी ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। गाइस लगभग 7-8 पहाड़ी पार कर चुके हैं, अभी फिर यहाँ से नीचे डाउन जाना है। ये आप देख सकते हो बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर मौजूद हैं। इसी प्रकार से ये पथरीला रास्ता है। गाइस अभी अपन आगे की ओर जाएंगे। बहुत दूर आने के बाद यहाँ पर एक कच्चा मकान बना हुआ है, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत। और ये फिर से एक यहाँ पर सातवीं नदी देखिए गाइस, यहाँ पर इनको बाइक चढ़ाने में दिक्कत हो रही है इसीलिए इनको हेल्प की ज़रूरत थी, सो हमने पूरी कर दी। कोसा भैया के द्वारा हेल्प करते हुए बाइक को धक्का मार रहे हैं पीछे से। गाइस ये आप देख सकते हो ये भी एक नदी है, ये सातवीं नदी है। गाइस ये अपन सातवीं नदी पार कर रहे हैं, अभी आप वीडियो में बने रहें। आगे देख सकते हो धीरे धीरे यहाँ पर ग्रामीण लोग भी आते हुए, यहाँ पर इक्का दुक्का घर बना हुआ है, शायद पहले और बना हुआ था। गाइस ये देख सकते हो ग्रामीण महिलाएं, इनसे कुछ बातचीत करते हुए अभी अपन आगे की ओर जा रहे हैं। ये भाई लोग यहाँ पर आराम करते हुए, ये देखिए ये स्कूल है प्राथमिक शाला तोड़मा, ये देखिए गाइस एक और नाला यहाँ पर आता हुआ, ये देख सकते हो ये आठवीं नदी है। इसको क्रॉस करने के बाद फिर अपन आगे की ओर जाएंगे। ये छोटी सी नदी है गाइस, ये आठवीं नदी है, देख सकते हो बहुत ही खतरनाक जगह है गाइस। अभी अपन तुलार गुफा की ओर आगे बढ़ते हुए, गाइस यहाँ पर आपको अगर आना है तो एक बाइक में दो जन यानी कम से कम 3-4 ग्रुप बना के आप यहाँ पर आसानी से आगे जा सकते हो। गाइस ये आप देख सकते हो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग शिव जी का दर्शन करके आते हुए, गाइस काफ़ी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। गाइस हजारों की संख्या में इतनी दूर घने जंगलों में शिव जी का दर्शन करने आते हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है तुलार गुफा। गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ पर भी थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक और पहाड़ी को ऊपर चढ़ रहे हैं अपन लोग, देख सकते हो इनको दिक्कत हो रही है बाइक चलाने में। गाइस देख सकते हो, गाइस अगर आप तुलार गुफा आना चाहते हैं तो यहाँ पर आसानी से आके जा सकते हैं। और यहाँ पर आने का टाइम शिवरात्रि टाइम में काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और बाकी दिनों में गिने चुने लोग ही ग्रुप बना के शिव जी का दर्शन करने आते हैं। गाइस
इतनी दूर घने जंगल में, और ये पूरा हबुजमाड़ इलाका है और नक्सलियों का इलाका है गाइस। फिर भी उनसे कोई खतरा नहीं है, आप आसानी से दुलार गुफा में आके शिव जी का दर्शन कर जा सकते हैं। अपन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, या आप देख सकते हो यहाँ पर बाइक खड़ा हुआ है। यहाँ पर यहाँ से भी अपन जाएंगे गुफा की ओर। आप लोग वीडियो में बने रहिए, तो देखिए आगे जाएंगे। यहाँ पर कुछ दुकानें भी लगी है, उनको भी दिखाएंगे गाइस। देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों से गाइस। ये आप देख सकते हो शिव जी का दर्शन करने आए हुए सभी लोग अपने अपने लिए खाना बना रहे हैं, और यहाँ सिखा के फिर वापस निकलेंगे। लोकल से यहाँ पर आके डेरा लगाए हुए हैं गाइस शिव जी का दर्शन करने के लिए, और यहाँ से दर्शन कर अभी अपने घर की और वापस लौटेंगे। अभी अपन जा रहे हैं गुफा की, और यहाँ से लगभग गुफा की दूरी 150 मीटर है गाइस। अपन जा रहे हैं गुफा के पास, या आप देख सकते हो काफ़ी लोग आए हुए हैं और आराम कर रहे हैं पेड़ के छांव में गाइस। अगर आप लोग भी यहां पर आना चाहते हैं तो अपने लिए भोजन की व्यवस्था, पानी, ये सभी सामान लेकर आएं ताकि कोई परेशानी ना हो। और आने से पहले यहां आपको किसी गाइड को लेकर आना होगा। अगर किसी और दिन आते हैं तो, अगर शिवरात्रि के दिन आते हैं तो कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आप आसानी से आके जा सकते हैं। अगर कोई ऐसी दिन यहाँ पर आना होगा तो आप गाइड को लेकर आइए, नहीं तो आप रास्ता भटक जाएंगे गाइस। बहुत ही दुर्गम रास्ता है और डेंजर रास्ता, और यहाँ आने के लिए कई मुश्किलों का सामना कर सकते हो गाइस। अपन अभी गुफा के नज़दीक जाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो सामने शहीद स्मारक बना हुआ है। देखिए गाइस यहाँ पर भूमकाल वीर गुंडा दौर की और डेबरी दौर के नाम लिखा हुआ है गाइस। देख सकते हैं इधर पहाड़ी के ऊपर भी ग्रामीण लोग आए हुए और अपने स्थानीय देवी देवताओं को यहाँ पर हलाते हुए गाइस। ये आप देख सकते हो तीर धनुष के साथ यहाँ पर ग्रामीण लोग आए हुए हैं। देखिए गाइस बहुत ही खूबसूरत नज़ारा गाइस। अपन अभी आपको शिव जी का दर्शन तीसरे भाग में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए आप तीसरे पार्ट का इंतज़ार कीजिए और शिव जी का दर्शन के लिए गाइस। ये आप देख सकते हो सभी लोग अपने अपने लिए खाना बना रहे हैं, और देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा गाइस। यहाँ पर सिर्फ एक ही दुकान लगी हुई है, ये आप देख सकते हो आगे की ओर। सिर्फ यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगी, सिर्फ गुटखा पाउच और नारियल अगरबत्ती, बस यही दुकान यहाँ पर लाई गई है गाइस। इतने दूर लाएंगे भी कैसे, लाने की परेशानी है। तो आप लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आइए और महादेव महाकाल का दर्शन करिए। ये छत्तीसगढ़ का सबसे डेंजरस और
घनघोर जंगलों के बीच में स्थित तुलार गुफा है। गाइस, अबूझमाड़ क्षेत्र बीजापुर और नारायणपुर जिले के बीच में पड़ता है। गाइस, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शिव जी का दर्शन करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।